अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे OMD ऐप के बारे में। OMD ऐप एक न्यू अर्निंग ऐप है जो जावाई की तरफ से लॉन्च की गई है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हमने OMD के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाना है और इसमें डिपॉजिट करके अपना जो वर्किंग है वो किस तरीके से इसमें करनी है। OMD ऐप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम सर्च कर लेंगे OMD। जैसे ही हम OMD सर्च करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट पे जो ऐप है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो मेरे पास यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो आपने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आपकी जो ऐप है आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, आपने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले इसके ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपने नीचे दिए गए ऑप्शन है रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन, ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने ईमेल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ़ोन नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लगानी है, वेरिफिकेशन कोड, पासवर्ड सेट करना है, इन्विटेशन कोड लगा के एग्री, आई नो द एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन क्लिक करके करने के बाद आपने रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप फ़ोन नंबर से वेरीफाई करते हैं, आपने सबसे पहले यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंट्री पाकिस्तान है, आपने इधर पाकिस्तान टाइप कर लेना है। पाकिस्तान टाइप करने के बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लगाना है। वो आपने सबसे पहले वाला 0 नहीं लगाना है, 0 के बाद अपना कम्प्लीट फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर लगाने के बाद आपने जो अपनी आईडी है इसके ऊपर क्रिएट कर लेनी है। मैंने अपनी डिटेल जो है वो सारी पुट कर दी है। आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर पुट करना है, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है आपने इसको देख के सेम उधर टाइप कर लेना है। ऊपर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है जो 6 to 15 डिजिट के अंदर होना चाहिए। नीचे भी सेम वही पासवर्ड आपने सेट करना है और यहाँ पर आपने ये इन्विटेशन कोड लगाना है। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है आपने इसी तरीके से इसको टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले जो डिजिट है वाई वो कैपिटल है, उसके बाद यू जो है वो स्मॉल है, उसके बाद 4FL है। सेम इसी तरीके से आपने जो है ये रेफरल कोड है आपने इस जगह पे पुट करना है। ये सब चीज़ें पुट करने के बाद आपने जो ये ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है आपने इसको अलाउ कर देना है। इन सब चीज़ों को आप करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। आपने जो आईडी क्रिएट की है अब उसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपने मोबाइल नंबर पे अपनी आईडी क्रिएट किया है तो आपने मोबाइल नंबर के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो आपने अपना सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर जो डायल कर लेना है, जैसे ही हमने उस जगह पर डायल किया था। मोबाइल नंबर डायल करने के बाद आपने नीचे अपना पासवर्ड जो है वो आपने टाइप कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने सेम वही वेरिफिकेशन कोड जो आपको सामने शो हो रहा है आपने वो यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन कोड जो है वो टाइप करेंगे उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कोड इनकरेक्ट बता रहा है, आपने इसको दोबारा से चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद हम दोबारा जो वेरिफिकेशन कोड है उसको टाइप कर लेंगे। वेरिफिकेशन कोड टाइप करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ें हमें वेरिफिकेशन कोड में सामने दिखाई जा रही हैं हमने सेम वही टाइप करनी है। अभी आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो इस टाइम ओपन हो गया है जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें जो ये पेज है हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रिचार्ज का, जो हमें सबसे पहले हमें रिचार्ज इसके अंदर करना होता है। रिचार्ज करने के बाद ही हमारी जो वर्किंग है इसके ऊपर स्टार्ट होती है। दूसरा ऑप्शन विड्रावल का है, जो आप इसमें से अर्निंग करते हैं वो आप विड्रावल के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना वॉलेट एड्रेस ऐड करने के बाद आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें फिल्म इन्वेस्टमेंट का है। फोर्थ ऑप्शन वेलफेयर सेंटर का है। ऐसे ही नीचे चार ऑप्शन डिफरेंट दिए गए हैं जिसमें आपको सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रैब टू द ऑर्डर मिल जाता है। हम रिचार्ज करने के बाद इस ऑप्शन के बारे में देखते हैं। इसी ऑप्शन से हमने अपना वर्किंग करनी है और इसमें से अर्निंग करनी है। रिचार्ज करने के लिए हमने सबसे पहले रिचार्ज बैलेंस का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, बैंक कार्ड रिचार्ज एंड ऑफिशियल रिचार्ज। यहाँ पे आने के बाद हमने ऑफिशियल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करना है। ऑफिशियल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है जो हमने यहाँ पे डिपॉजिट करनी है। इन माय केस मैं $30 इसमें डिपॉजिट करता हूँ तो मैं 30 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 30 सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ओके टू रिचार्ज,
हमने ओके टू रिचार्ज के ऊपर क्लिक कर लेना है। हमारे पास जो यहाँ पे एक जो वॉलेट आईडी है वो दे दी गई है, हमने इस वॉलेट आईडी के जो ऊपर अपना जो है डिपॉजिट करना है, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपके पास जहाँ आपका यूएसडीटी अवेलेबल है आपने वहाँ से विड्रॉ लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास बिनांस के अंदर है, ओकेएक्स के अंदर है, जिस किसी भी एक्सचेंज के अंदर है, आपने वहाँ से इस एड्रेस के ऊपर जो है वो अपना यूएसडीटी सेंड करना है। मैं अपनी ओकेएक्स की आईडी के ऊपर आ गया हूँ। ओकेएक्स की आईडी के ऊपर आने के बाद हमने एसेट्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। हमने अपना वॉलेट जो है वो ओपन कर लेना है। वॉलेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे विड्रॉ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रॉ के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे यूएसडीटी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने ओएमडी के अंदर यूएसडीटी जो है वो सेंड करना है। यूएसडीटी सिलेक्ट करने के बाद हम ऑन चेन विड्रॉवल के ऊपर क्लिक करेंगे। जो एड्रेस हमने ओएमडी के पेज के ऊपर से कॉपी किया था हमने उसको एक दफ़ा दोबारा से वेरीफाई कर लेना है कि ये वो क्या वो वही एड्रेस है। हमने इसको एक दफ़ा दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम दोबारा ओकेएक्स के ऊपर आ जाएंगे, जिधर लिखा है इंटर एन एड्रेस, यहाँ पे हमने वो एड्रेस जो है वो पेस्ट कर देना है। नेटवर्क जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, यूएसडीटी TRC20। अगर ये खुद से सिलेक्ट नहीं होता है तो आपने यूएसडीटी TRC20 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट के अंदर हम $30 टाइप कर देंगे, क्योंकि हमने $30 वहाँ सेंड करने हैं। इधर आप डिटेल्स नीचे देख सकते हैं कि ये हमारे फंडिंग वॉलेट से सिलेक्ट हो रहा है। $30 हमारा जो सेंड होगा, टोटल हमारे 31 जो है डिडक्ट होंगे, $1 जो है वो फीस इसमें हमें चार्ज होगी। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हमने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे ये कोड मांग रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड एंड फ़ोन वेरिफिकेशन कोड, इसको हम सेंड कर लें। वेरिफिकेशन कोड पुट करने के बाद आपने कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कन्फर्म के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारा जो विड्रावल है वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो गया है। हमने ये सबमिट करने के बाद व्यू विड्रावल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। व्यू विड्रावल डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं, जिसमें से दो कंप्लीट हो गए हैं और थर्ड और फोर्थ बाकी है। ये सबसे पहले अभी पेंडिंग में है, पेंडिंग से ये इन प्रोग्रेस में जाएगा, इन प्रोग्रेस में आने के बाद ये सेंड पे आ जाएगा। हमने इसका इंतज़ार करना है जब तक ये हमें सेंड नहीं हो जाता। हमारा विड्रा जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है। सेंड होने के बाद हमने इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें जो इधर ट्रांजैक्शन आईडी नज़र आ रही है हमने इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद हम अपने वापस जो है वो ओएमडी पेज के ऊपर, रिचार्ज पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ से हमने एड्रेस कॉपी किया था। जो ट्रांजैक्शन नंबर हमने कॉपी किया वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो नीचे रिचार्ज स्क्रीनशॉट अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट जाओ। ट्रांजैक्शन नंबर लगाने के बाद और स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद हमने नीचे जो ओके टू रिचार्ज का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर जो करके जो अपना रिचार्ज है वो सबमिट कर देना है। हमारा रिचार्ज जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अभी इसको चेक करने के लिए हमने रिचार्ज रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। रिचार्ज रिकॉर्ड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो $30 का रिचार्ज है वो अभी अंडर रिव्यू है। कुछ टाइम वेट कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये पास हो जाएगा। पास होने के बाद ये बैलेंस जो है आपको वॉलेट के अंदर शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रिचार्ज जो इस टाइम पास हो गया है। जैसे ही आपका रिचार्ज पास हो जाएगा आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट के अंदर शो हो जाएगा। आप अकाउंट चेक करने के लिए आपने माई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो $30 जो है यहाँ पे शो हो गया। इसमें हमें ज्वाइनिंग रिवार्ड भी मिलता है। ज्वाइनिंग रिवार्ड आपने किस तरीके से रिसीव करना है, जैसे ही आप इसमें $30 का रिचार्ज कर लेंगे आपने जो टास्क का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टास्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने $30 का डिपॉजिट किया है तो आपको $3 जो है वो रिवार्ड में मिलेंगे। अगर आप $100 का डिपॉजिट करते हैं तो आपको $8 जो है रिवार्ड मिलता है। अगर आप $200 का रिचार्ज करते हैं आपको $15 जो है रेफरल रिवार्ड मिलता है, फर्स्ट डिपॉजिट रिवार्ड मिलता है। इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखते हैं मुझे यहाँ पे $3 जो है वो रिसीव करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। जैसे ही मैं इस रिसीव के ऊपर क्लिक करता हूँ मुझे $3 जो है वो रिसीव हो गया। मैं दोबारा अपने माय के पेज के ऊपर आता हूँ, इधर आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो भी $33 हो गया। आपने इस पर अकाउंट बनाने के बाद, रिचार्ज करने के बाद वर्किंग किस तरीके से करनी है, आपने ग्रैब द ऑर्डर जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारी जो इधर से इस टाइम ग्रैब जो ऑप्शन जो है वो इस टाइम ऑन है, इसको हमने ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो हमारी इस पर माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये माइनिंग स्टार्ट होती है तो हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है।
इसके ऊपर ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर हमारा नीचे एक एनर्जी का ऑप्शन आ रहा है, एनर्जी और एक ऑप्शन है बैलेंस ऑर्डर का, हमने बैलेंस ऑर्डर के ऊपर ही रहने देना है, उसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी जो इस टाइम माइनिंग है वो ऑन हो गई है, इस टाइम हमारे वो बैलेंस के ऊपर है, हम इसको ओके करेंगे अगेन। ओके करने के बाद दोबारा से ऑफ हो गई है, इस तरीके से आपने इसको ऑफ एंड ऑन करना है। दोबारा हम ऑन कर देंगे, हमारी जो इस टाइम अर्निंग है वो इस टाइम इसमें ऊपर स्टार्ट हो गई है। अर्निंग करने का तरीका कार यही है कि आपने जो डिपॉजिट कर अकाउंट बनाने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद आपने जो ग्रैब के ऑप्शन में आना है, ग्रैब द ऑर्डर, इसके ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपने जो यहाँ पे इसको टर्न ऑफ है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर देना है। ऑन करेंगे तो हमारा जो ये है ग्रैबिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया, इसकी स्टार्टिंग डेट और टाइम जो स्टार्ट हो गया, इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी हमारी फीस डिडक्शन होगी, इसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर आपने एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करना होता है, आपका जो प्रॉफिट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। आप अभी हम अपने माइक ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, हमारी जो अमाउंट है इस टाइम वो फ्रोजन अमाउंट के अंदर चली गई है, जो हमारी अर्निंग होगी हमें इस टुडे अर्निंग के अंदर शो होगी। आज की वीडियो में हमने सीखा कि OMD के ऊपर हमने किस तरीके से अकाउंट बनाना है और किस तरीके से हमने रिचार्ज करना है। आपको OMD का जो लिंक है वो हमारी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और इसके अंदर रिचार्ज करके अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।